पुष्कर सिंह धामी से, वो अयोध्या पहुंचे, क्या कुछ बात हुई आपको सुनाते हैं। सर अयोध्या की धरती पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और भगवान राम की इस जन्मभूमि में आकर मैं अभिभूत हूँ और बचपन से ये सोचता था, चूंकि अयोध्या पहले भी कई बार आया, अब मुख्य सेवक के रूप में आ रहा हूँ तो बड़ा ये संयोग है कि मैं बचपन से जब पहले जितनी बार भी आया जन्मभूमि के दर्शन के लिए, मैंने देखा कि रामलला टेंट के अंदर हैं और कब अच्छी व्यवस्था होगी और वो व्यवस्था अब हो गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हम उत्तराखंड की देवभूमि की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से सबसे उनका धन्यवाद करते हैं कि जो हम लोग सपना जो सबने देखा था उस समय, कार सेवकों ने देखा था, लोगों ने देखा था, वो सपना साकार हो रहा है और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। विपक्षी पूछते थे रामलला ठाट में, हम लोग ठाट में, कब रामलला ठाट में होंगे, तो क्या लगता है ये विरोधियों के लिए एक बड़ा जवाब है? देखिए मोदी जी के समय में जितने भी काम हैं वो बातें कम और काम ज्यादा, जो उनका एक स्लोगन है वो यहीं पर चरितार्थ हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के रहे, मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ, रामकुमार जी भी लखनऊ, कभी लखनऊ की याद सताती आपको, लगता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना चाहिए? नहीं, लखनऊ हमेशा से रहता है, क्योंकि जो भी हमने बचपन में वहाँ सीखा, पढ़े लिखे इतने सारे मित्रों के साथ, लखनऊ विद्यार्थी जीवन में हमारी कर्मभूमि रही है, इसलिए लखनऊ से पूरे जीवन भर का नाता है। एक आखिरी सवाल है, उत्तराखंड का चुनाव तो एक उसमें खत्म हो जाएगा, क्या उसके बाद आप उत्तर प्रदेश की ओर मूव करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के लिए आएंगे? वो तो जैसा पार्टी का जो भी आदेश होगा उसमें। शुक्रिया के न्यूज से बात करना। तो ये है धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी साहब, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं कि पार्टी जैसा आदेश करेगी हम उसी हिसाब से काम करेंगे, उत्तराखंड का चुनाव खत्म हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में भी वो जरूर रुख करेंगे, फिलहाल अभी वो रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज अयोध्या।